बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 35,000। तो भाई अगर आपका बजट भी 35,000 है, 35,000 के बजट में आप एक कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन, रॉबिन ऑज द वेलकम टू द हौसला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नए आ जाएंगे तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो यार। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउड कर लेना। अभी स्टार्ट करते हैं, नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं। तो भाई सीधी बात करते हैं नंबर फाइव की। नंबर फाइव की बात करूँ या नंबर फाइव पर मैंने रखा वीवो की ओर से स्मार्टफोन। अगर आपने वीवो V20 की ओर जाना आप जा सकते हो, वो आपको 23,000 के बजट में मिल जाएगा। भाई अगर आपने वीवो V20 प्रो की ओर जाना, ये स्मार्टफोन आपको अंडर 35,000 नॉर्मली इजिली देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन पूरे लोडेड मिल जाते हैं। भाई अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, अगर आपने रील्स बनानी है, उसके बाद अगर आपने टिकटॉक बनाते हैं, ऐसे काम करते हो, अगर आपने सिनेमेटिक वगैरह भी शूट करना है ना, दोनों फोन आपके लिए परफेक्ट डील हो सकते हैं। दोनों के कलर्स बहुत प्यारे हैं, डिज़ाइन लुक वगैरह बहुत अपर देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपको कैमरे के साथ साथ तगड़ा प्रोसेसर चाहिए, उसके साथ साथ भाई अगर आपको एक डिज़ाइन भी मैटर करता है, कलर भी बहुत मैटर करते हैं, तब आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है वीवो की ओर से। मतलब दो फोन आते हैं दोनों की ओर से, जिसकी ओर भी आप जाना चाहते हो, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आपको फोटोज़ होगी, आपको सेल्फीज़ होगी, 100% आपको बहुत सही देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड इसके प्राइस भी बहुत आपको माइनस देखने को मिलेगा, कोई भी ऐसा माइनस पॉइंट नहीं है। एक देखने को मिलेगा कि आपको जो बैटरी है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, जो कि 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। आपको जो पावर बैंक है ना पे रखनी पड़ेगी ना, अगर आपने सिनेमैटिक वगैरह आउटडोर शूट करना ना, तब आपको पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई भी माइनस पॉइंट नहीं देखने को मिलता। कैमरा पूरा लोडेड मिल जाता है, आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। भाई अगर आपके हाथ वगैरह ज़्यादा शेक करते हैं ना, उसको बहुत माइनर कर देता, मतलब कम बहुत कर देता। अगर आपने वॉकिंग करनी है, रनिंग करते, अगर आप शूट करते हैं ना, उसको बहुत कम कर देगा, ठीक है, जो कि प्लस पॉइंट हो जाता है। भाई यही चीज़ तो चाहिए होती है, अगर आपने सिनेमेटिक वगैरह शूट करना है, अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। मैं आपको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आपको कम प्राइस में अच्छा कैमरा मिल जाता है, सो दैट्स वाई, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो वीवो V20 की सिर्फ बताऊंगा, पूरे नहीं बताने वाला बिकॉज यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी बात करते हैं वीवो V20 के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.44 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि AMOLED डिस्प्ले। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बातों को 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, आपको 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। सेल्फी की बातों को 44MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, पहले इसका प्राइस 25,000 था, लेकिन अभी ये स्मार्टफोन आपको 23,000 के बजट में मिल जाता है। तो यार मैंने 35,000 बजट रखा है, ठीक है, बट ये फोन आपको 23,000 के बजट में मिल जाता है। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन के और जल जाना ना, तो आपके पैसे खराब नहीं होने वाले, एंड आपके पैसे जो है वो सेव ही होने वाले हैं। तो आप देख लेना, अगर आपने जाना है आप जा सकते हो, भाई अगर आपने नहीं जाना तो जो मैं आगे फोन बताऊंगा आप उसके और जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, अभी नंबर फोर की बात करूँ या नंबर फोर पर मैंने रखा है LG G8X को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको कैमरे की बात बताता हूँ। अगर आप टिकटॉक्स बनाने के शौकीन हो, रील्स बनाने के शौकीन हो ना, तब आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। भाई मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एक बार आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मतलब सही जो कैमरा देखने को मिल जाता है, कितना सही आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। मतलब आपको डुअल डिस्प्ले मिल जाता है, भाई आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, उसके बाद आपको IP68 रेटिंग देखने को मिल जाती है। वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, अगर पानी वगैरह गिर भी जाता है तो खराब नहीं होने वाला, ठीक है। इसके प्लस पॉइंट बहुत देखने को मिलेंगे, तभी मैं आपको कह रहा हूं भी एक बार आप खुद भी चेक आउट कर लेना। आपको अंडर 35,000 बहुत सही चीज मिल जाती है LG G8X को, एक बार आप देख लेना। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.4 इंच OLED डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिल जाता है, जो कि तगड़ा प्रोसेसर है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 6GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बातों को 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरा सेल्फी की बात करूँ, सेम देखने को मिलेगी। वो कैसे देखने को मिलेगी, मैं आपको दिल से चाहता हूँ कि भाई आप इस स्मार्टफोन को एक बार चेक आउट करो, आपको पता चले कि इसमें कैमरा का क्या खासियत देखने को मिलती है। अभी प्राइस की बात करूँ, आपको ये अंडर 30,000 या 30,000 से थोड़ा सा अपर जा सकता है, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होगा, 31,000 के बजट तक आपको देखने को मिल जाएगा LG G8X। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है,
आपके लिए ये भी स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। तो मेन स्पेसिफिकेशन में आपको LG G8X के भी बता दिए, आप चाहो तो कर लेना, डीपली देखना चाहते हो लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करिए। नंबर थ्री पर मैंने रखा है Realme X50 Pro। तो सबसे पहले इसकी खासियत की बात करते हैं, आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसका डिस्प्ले बहुत सही है एंड भाई इसका कैमरा भी आपको तगड़ा मिल जाता है, आपको डुअल सेल्फी देखने को मिल जाती है। बैक कैमरे में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS पर। तो भाई अगर आपको कैमरे के रिलेटेड Realme का ही स्मार्टफोन चाहिए तो मैं आपको कह सकता हूँ आप चल जाना Realme X50 Pro की ओर। लेकिन अगर आपको Realme ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला, बिकॉज ये स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए आपको पूरा लोडेड मिल जाता है, बट एज अ डिज़ाइन देखा जाए, एज अ कलर्स देखे जाए, इतना लोडेड नहीं देखने को मिलता। भाई 15,000 के बजट में भी अगर आप Realme का फ़ोन लोगे ना, उसका एंड इसका डिज़ाइन आपको सेम देखने को मिलेगा, जो कि इसका माइनस पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और कोई भी माइनस पॉइंट नहीं देखने को मिलता, वैसे ये फ़ोन आपको पूरा लोडेड मिल जाता है, आप लॉन्ग टाइम पीरियड यूज़ कर सकते हो एज अ स्पेसिफिकेशन देखा जाए, बट इसका डिज़ाइन लुक वगैरह इतनी भी खास नहीं देखने को मिलती। भाई अभी बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, अगर आप Realme लवर हो तब आप जा सकते हो। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.44 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है, स्टोरेज की बात करूँ आपको 12 GB रैम मिल जाती है, मतलब तीन वर्ड में आता है यार, 6 GB एंड 8 GB एंड 12 GB, जो भी बजट में सेट बैठेगा आप उसके और चल जाना। प्लस आपको 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ आपको 4200 mAh की बैटरी मिल जाती है, 65W का फास्ट चार्ज है, जो कि आपके फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। कैमरे की बात करूँ आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है, 64 MP प्लस 12 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP, जिस पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं आपको डुअल सेल्फी मिल जाती है 32 MP प्लस 8 MP। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस आपको अंडर 35,000 नॉर्मली देखने को मिल जाएगा, जो कि 6 GB रैम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको Realme X50 Pro के भी बता दिया। तो भाई अगर आपने स्मार्टफोन के और जाना, अगर आप Realme लवर हो तभी जाना, अगर नहीं हो तो जो मैं आगे फ़ोन बताऊंगा ना आप उसके और चल जाना। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ। यार नंबर टू पर मैंने रखा MI 10T। तो यार सबसे पहले इसका प्राइस जो है ना वो आपको 32,000 के बजट में देखने को मिल जाता है, एंड 32,000 के बजट में भाई आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि सच में मैटर करता है भाई। उसके साथ साथ इसका डिज़ाइन बहुत सही है, इसके कलर बहुत प्यारे, इसका प्रोसेसर बहुत तगड़ा है, उसके साथ आपको डिस्प्ले भी बहुत सही मिल जाती है, यही चीज़ तो चाहिए होती है। अभी अंडर 35,000 आपको एक पूरा लोडेड स्मार्टफोन मिल जाता है। अगर आपने सिनेमैटिक शूट करना है, व्लॉगिंग करनी है, इंडोर शूट करते हो, आउटडोर यूज़ करते हो, प्लस अगर आपने यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह करनी है, रील्स बनाते हो, टिकटॉक बनाते हो ना, आपका एक्सपीरियंस बहुत सही होने वाला है, बिकॉज आपको कैमरा एप्लीकेशन में ऐसे कई फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपकी फ़ोटोज़ होगी, सेल्फी होगी, या अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है उसको हाई लेवल पे लेके चल जाएगा। आप पर है कि आप इस फ़ोन को कैसे यूज़ करते हो। MI 10T परफेक्ट डील हो सकता है अभी अगर आपने कैमरे के रिलेटेड एक स्मार्टफोन लेना। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.67 इंच IPS LCD मिल जाती है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले बहुत तगड़ा होने वाला है, 144 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है भाई। प्रोसेसर की बात करूँ आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है, स्टोरेज की बात करूँ ये दो वर्ड में देखने को मिलेगा, 6 GB 8 GB, जो भी बजट में सेट बैठेगा आप उसके चल जाना। प्लस आपको 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 33W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूँ आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 64 MP प्लस 30 MP प्लस 5 MP। सेल्फी की बात करूँ आपको 20 MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI 10T के। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसको चैकआउट करना है तो भाई आप चैकआउट भी कर सकते हो, चैकआउट करने के कौन सा पैसे लगते हैं। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ। यार नंबर वन पर मैंने रखा है Samsung Galaxy S20 FE। इसके कलर वगैरह हो गए, इसका डिज़ाइन हो गया, एंड 8K वीडियो इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है, एंड भाई फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो MI 10T बताया ना, उसका माइनस पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। यार मैंने माइनस पॉइंट तो आपको बताया नहीं कि आपको जो फ्रंट कैमरे में ना 4K ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, लेकिन Samsung Galaxy S20 FE में आपको फ्रंट में भी 4K ऑप्शन मिल जाता है, बैक कैमरे में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है, एंड भाई इसका प्राइवेसी सिस्टम बहुत तगड़ा है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए, फोटोज होगी, वीडियोज होगी अपनी प्राइवेसी में रखना चाहते हो ना, तब आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकती है।
आप लॉन्ग टर्म पीरियड इसको भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं एक चीज़ आपको और भी बताने वाला हूँ कि इसका बजट जो है वो 40,000 देखने को मिलता है, लेकिन अभी सैमसंग का एक नया फ़ोन लॉन्च हो गया तो यार इसका जो प्राइस है ना वो ड्रॉप हो गया होगा, आपको 5,000 लेस देखने को मिलेगा इसका 5,000 बजट जो है वो कम हो जाएगा। तो आप जा सकते हो सैमसंग गलेक्सी S20 FE की और ये फ़ोन भी पूरा परफेक्ट मिल जाता है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको पता चल जाएगा। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बातों को 4500mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 25W का फास्ट चार्जर प्लस आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी प्लस रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। कैमरे की बातों को ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 12MP प्लस 8MP प्लस 12MP। सेल्फी की बात करूं आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है, उसमें भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गलेक्सी S20 FE के भी, ये स्मार्टफोन भी आपको पूरा लोडेड देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन को भी आप लॉन्ग टाइम पीरियड यूज़ कर सकते हो, एज अ व्लॉगिंग यूज़ करना है, एज अ यूट्यूब वीडियो यूज़ करना है, रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, मतलब कोई भी आपने कैमरे के रिलेटेड आपने कोई भी काम करना है ना, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपका मतलब 35,000 इसका प्राइस नॉर्मली इजीली कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई 40,000 में देखने को मिलता है, लेकिन इसका प्राइस ड्रॉप होने ही वाला है, मैं आपको 100% श्योर कह सकता हूँ। तो यार अभी मेरी वीडियो यार यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक करें, इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। यार लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे, आपके वो बताएंगे या कोई नया टॉपिक बताएंगे। थैंक यू।